ना पक्ष ना विपक्ष, आप देख रहे हैं द्विपक्ष दर्पण डिजिटल और मैं दिनेश चंद्र शर्मा। आज दिनांक 2 सितंबर सन 2023 को मनिया डी के उमेश सिंह की शिकायत पर जिला अभिलेखागार कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार निरोधक की टीम ने छापेमारी की। मनिया डी के उमेश सिंह ने सर्वे खतियान की कॉपी के लिए जिला अभिलेखागार कार्यालय को आवेदन दिया था। बार बार जिला अभिलेखागार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी जिला अभिलेखागार के प्रधान लिपिक कृष्णंदु चौधरी उमेश सिंह को सर्वे खतियान की कॉपी उपलब्ध नहीं करा रहे थे। जिला अभिलेखागार कार्यालय के बार बार चक्कर लगाने से तंग आकर मनिया डी के उमेश सिंह जिला अभिलेखागार कार्यालय के प्रधान लिपिक कृष्णंदु चौधरी को सर्वे खतियान की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए ₹400 रिश्वत देने पर सहमत हो गए और इसकी लिखित सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी, जिसकी पुष्टि करने के लिए आज दिनांक 2 सितंबर 2023 को एंटी करप्शन ब्यूरो के इंस्पेक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह, राजेश कुमार और सुरेंद्र प्रसाद की टीम ने जिला अभिलेखागार कार्यालय में छापा मारकर जिला अभिलेखागार कार्यालय के प्रधान लिपिक कृष्णंदु चौधरी को ₹4,000 के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और एंटी करप्शन ब्यूरो के थाने ले आई। तत्पश्चात एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने कृष्णंदु चौधरी के मास्टर पाड़ा स्थित आवास पर छापा मारा, पर एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ वहां पर कुछ नहीं लगा। एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार अब तक 6 ट्रैपिंग और 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें मामला ये है कि इस्कान के बादी उमेश सिंह, जो मनियाडी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनको सर्वे खतियान की कॉपी चाहिए थी। उसके लिए उनके द्वारा जो है जिला अभिलेखागार कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिसके उसको उसकी प्रति उपलब्ध कराने के लिए इनसे रिश्वत की मांग की गई थी। उसका शिकायत यहाँ पर किए थे, जिसका सत्यापन किया गया और सत्यापन में यह बात सही पाया गया। और आज हम लोग धावा दल बना के टीम के एसीबी के टीम के द्वारा जो है छापामारी की गई है, जिसमें कृष्णंदु चौधरी जो वहाँ के प्रधान लिपिक हैं जिला अभिलेखागार कार्यालय के, उनको जो है ₹4,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। कितने की रिश्वत की मांग हुई थी सर? रिश्वत कितने मांग किया था? उनके द्वारा 6,000 हुआ था, लेकिन उनके बाद में जो है उनसे ₹4,000 में सौदा तय हुआ था और आज उनको ₹4,000 लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। घर की तलाशी, उनका मास्टर पाड़ा स्थित आवास का तलाशी लिया गया था, लेकिन वहाँ से कुछ बरामद नहीं हुआ। किस काम के लिए डिमांड किया गया? सर्वे खतियान की कॉपी लेने के लिए उनसे इसकी रिश्वत की मांग। इसके लिए वास्तविक राशि कितनी चुकानी पड़ती है और मांगा कितना गया? 6,000 का डिमांड हुआ था, लेकिन उनसे ₹4,000, वो बोले कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हम उतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो सत्यापन के क्रम में ₹4,000 की रिश्वत की पुष्टि हुई थी और आज भी उनको ₹4,000 नकद लेते हुए गिरफ्तार। आए दिन तब देखा जाता है रिश्वत की मांगे के लिए, क्या कई बार रिश्वत मांगे जाते हैं, इसे लोग सुन के भी जागरूक नहीं हुए, ऐसे लोगों को क्या जागरूक के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर जागरूक के लिए? हम तो आप ही प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप लोग के पास भी अगर कोई आदमी आता है इस तरह के रिश्वत के संबंधित मामले के बारे में कुछ बताता है, तो हमारा सरकारी नंबर है, उस पर आप उसको बताएं और यहाँ पर हमारे कार्यालय में भेजें, हम लोगों उनका सुनवाई करेंगे और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता मनियाडी के रहने वाले, नाम क्या? उमेश सिंह।